धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। चाइना और इंडियन फोर्सेस के बीच फिर से एक बार ताजा झड़प हुई और ये झड़प 29 और 30 अगस्त के बीच हुई है। मध्य रात्रि को ये झड़प बताई जा रही है। इस झड़प में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन क्या पूरी ये झड़प हुई है, एक सवाल ये पैदा होता है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि 15 जून के बाद ये जो दूसरी झड़प हुई है तो ये क्या कहलाती है, और बीच में जो डायलॉग चल रहे हैं, बातचीत हो रही है, वो क्या कुछ असर नहीं डाल पा रही है। इसी तरीके से बहुत से लोग कह रहे हैं कि सीमा में कोई घुसा नहीं है तो बातचीत क्यों की जा रही है, और अगर बातचीत भी की जा रही है तो साथ साथ में वहां पर अपनी इतनी फोर्स को जो है लगाया क्यों जा रहा है, वहां पे लड़ाकू विमान भी लगाए जा रहे हैं। तो बहुत सारी गतिविधियां घट रही हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं चाइना का खिलौना लेना बंद कर दीजिए, ऐप बंद कर दीजिए। मीडिया जो है कुछ और बताने में लगा हुआ है। कल तक बता रहा था कि वहां पे कब्रें मिल गई हैं, जिससे साबित हो गया कि गलवान में चाइना के भी 35 लोग मरे। तो बहुत सारे सवाल हैं। ये सारे सवाल आज पर बात करने के लिए हमारे साथ स्काइप पर जुड़ रहे हैं रामचंद्र जैन जी, जो नेवी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट हैं और अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जो बोको मीडिया वाले हैं ना, वो इनको नहीं बुलाएंगे, क्योंकि ये सही सही बात बताएंगे। उन्हीं को बुलाते हैं जो उनके मतलब के लोग होते हैं। आप देखिएगा, दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई सालों से लगातार वन रैंक वन पेंशन को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन बावजूद उसके एक ग्रुप ऐसा भी है रिटायर्ड आर्मी का जो सत्ता के साथ खड़ा हुआ है। तो बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। पहला मेरा सवाल आपसे यही है सर कि ताजा मामला जो 29 और 30 जुलाई की रात हुआ है, वो हुआ क्या है, आपके पास जानकारी क्या है? सबसे पहले तो मैं हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा को श्रद्धांजलि देता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में उनको जगह दे, परिवार को सुख समृद्धि दे। अब दूसरी बात ये है कि जिस झड़प की बात कर रहे हैं, चाइना तो मतवातर लगातार तैयारी करता रहता है, और वो हम उसकी छेड़खानी कर बात को पहल को भांप गए, और भांपने से पहले ही हमने उनके हाँ मूवमेंट कर दिया, उन्होंने नहीं किया, सच्चाई तो ये, और उनको पीछे धकेल दिया। अब कुछ खबर है कि कुछ चाइनीज सोल्जर्स को चोटें आई हैं और हमारे जवानों को नहीं आई हैं, और हमने फिंगर एट पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिए। ये तो इधर की बात रही। चाइना की आदत, चाइना की कई मजबूरी है, आप देखिए। एक तो तकरीबन आधा चीन क्वाड से ग्रस्त है, वहाँ काफी उनको परेशानी आ रही है। अगर ये जो खबर बता रहे हैं 35, ये सच्चाई है, तो जाहिर है इसका दबाव भी लोगों का होगा। हालांकि वहाँ लोकतंत्र नहीं है, लेकिन जैसा भी है दबाव तो परिवारों का जरूर होता होगा। अब चाइना सच मायने में भारत पर दबाव बनाकर और दिखाकर कि मैं भारत के साथ लड़ाई कर सकता हूँ, अमेरिका जैसे देशों के तेवर ढीले करना चाहता है, जिससे कि अमेरिका किसी न किसी माध्यम से ये कहे कि भाई आप ऐसा कोई मत करो, और पीओके में घुसना चाहता है। उसकी नीयत भारत के अंदर आने की नहीं है, पीओके में घुसना चाहता है। सर पीओके में तो वो अपनी रोड बना ही रहा है, जो ईरान तक उसकी रोड जा रही है। हाँ, तो वो पीओके में तो घुसा हुआ है। अब इसमें पीओके में घुसने वाली बात कहाँ रह गई? नहीं, उसमें घुसने का क्या है कि उसको रोड को हमने ऑब्जेक्ट नहीं किया है अभी तक, लेकिन वो चाहता है पूर्णतया पीओके उसके कब्जे में आ जाए, या पाकिस्तान उसको वो हिस्सा लीज पे दे, क्योंकि पाकिस्तान की माली हालत बहुत खराब है, तो पाकिस्तान पैसे चाहेगा। वहां से कोई आमदनी है नहीं उस क्षेत्र से, उसको कुछ प्राप्त हो नहीं रहा, कोई ना कोई ऐसा वो कारण बना रहा है कि उसको वो लीज पर दे दे, और जो बने हुए वहां पर एरोड्रम है या और जो पट्टियां हैं वो उसके काम आ जाए। दूसरी तरफ अरुणाचल क्षेत्र में जैसा कि
वहाँ के सांसद ने भी कहा है कि वो एक आर्टिफिशियल कृत्रिम बनावटी झील बना रहा है। बनावटी जी झील का मतलब ये है कि उसमें पानी इकट्ठा करो और जब कोई सूरत हाल लड़ाई की हो तो भारत की तरफ उसका किनारा तोड़ दो। वो एक वाटर बम की तरह हमने इस्तेमाल किया था 65 में पाकिस्तान के अगेंस्ट, उनके काफी 200-250 टैंक धस गए थे जमीन जी तो आप दो चीज बता रहे हैं सर। एक चीज आपने बताई कि चाइना जो भी हरकत कर रहा है पिछले कुछ समय से, चाहे वो लद्दाख में कर रहा हो, चाहे वो डोकलाम में कर रहा हो, वो सब इसलिए कर रहा है कि वो अमेरिका को दिखाना चाहता है, नंबर एक। दूसरा सवाल आप ये उठा रहे हैं कि वो पीओके पर कब्जा करना चाहता है कि पाकिस्तान उसको लीज पे दे दे। तो पीओके पे जब रोड बन रही है, हमारी सरकार ने कोई ऑब्जेक्शन किया ही नहीं है, तो उस पर तो उसका एक तरीके से कब्जा ही है, ये एक सवाल। और दूसरा सवाल ये बताइए कि अमेरिका को भारत में ये सब करके अमेरिका को क्या साबित करना चाहता है? अमेरिका को ये समझता है कि वहाँ का चुनाव का माहौल है, अमेरिका उसके खिलाफ समुद्र में डटा हुआ है, भारत का कुछ बेड़ा भी वहाँ पहुँच गया, ये सब दबाव बनाकर चाइना अपनी तरफ से दबाव हटाना चाहता है भारत पर दबाव, क्योंकि किसी और देश पर दबाव बनाने से अमेरिका पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, जापान पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऑस्ट्रेलिया पर फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना ताइवान पर। भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, संबंध हैं, बहुत घनिष्ठ हैं, काफी वोटर है, और वो चाहता है कि वो इस आड़ में अमेरिका उनको कहे कि भाई आप थोड़ा शांत हो जाओ। और जहाँ तक डोकलाम की बात है या गलवान घाटी की है, देखिए कोई भी दुश्मन सामने वाले की पहले ताकत देखता है, पॉलिटिकल इंटरनल देखता है। डोकलाम में उसने देखा हम थोड़ा सा, मैं कहता हूँ, रिट्रैक्ट कर गए, पीछे हट गए, तो उन्होंने अपने अड्डे बना लिए। फिर गलवान घाटी में आया, वहाँ पर उसको मुंह की खानी पड़ी, तो उसको लगा कि हाँ ये कुछ लड़ सकते हैं। तो अब क्योंकि हम सबसे ज़्यादा हथियार खरीद रहे हैं अमेरिका जी से, इसराइल से, रूस से, तो वो चाहता है कि रूस भी इसमें आके भारत को ये सलाह दे कि भाई आप दोनों डटे रहो, लेकिन खुद वो पीछे हटना नहीं चाहता, एलएसी से पीछे हटना नहीं चाहता। तो सूरत हाल ये भी हो सकती है युद्ध की, जैसा कि लोग जी कहते हैं कि पोस्ट कोविड वो नहीं चाहता कि भारत तरक्की करे, भारत में किसी प्रकार की समृद्धि आए, बहबूदी आए, वो चाहता है कि भारत उस पर निर्भर रहे अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के लिए, जैसा कि काफी चीजें। अब प्रधानमंत्री जी ने देखिए 29-30 तारीख की रात को ये हुआ, 30 को 11 बजे प्रधानमंत्री जी देश को संबोधन कर रहे हैं। या जी तो ये संबोधन पहले से रिकॉर्डेड था, या जी प्रधानमंत्री को पता नहीं था, सुबह तक उन्होंने देश को विश्वास में नहीं लिया कि ऐसे झड़प जी हुई है। मैं भी इस बात को ठीक नहीं मानता हूँ, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो देशवासियों को भी बता के रखे, विश्वास में लेके रखे। पर प्रधानमंत्री की शायद आदत है, आपको पुलवामा अटैक याद होगा, उस वक्त वो डिस्कवरी के लिए शूटिंग करा रहे थे और उनको खबर ही नहीं थी कि पुलवामा में अटैक हो चुका है। लेकिन मैं आना चाहता हूं जो कल वाली, 2 दिन पहले वाली झड़प है उस पर। ये झड़प जो है, फिर बातचीत किस लिए हो रही है? अगर झड़पें हो रही है, बताया जा रहा बातचीत लगातार चल रही है, फिर झड़पें भी हो रही है, तो किस काम की बातचीत हो रही है सर? बातचीत तो देखिए 1971 की लड़ाई के टाइम भी बातचीत चल रही, 10-12 दिन का युद्ध था, ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है बातचीत का, जिससे कि देखो कोई भी देश लड़ाई नहीं चाहता, लड़ाई से किसी देश का फायदा नहीं होता, ना हुआ है आज तक और ना होगा। हाँ उसके बाद में साइंस का जरूर उत्थान होता है, नई नई चीजें सामने आते हैं, नए नए तरीके आते हैं, लड़ाई आती है ड्रोन से लड़ने के, ड्रोन को बॉम्बर्स की तरह यूज होता है, रोबोट्स को यूज होता है, इंटेलिजेंस, नई नई चीजें आती हैं, लेकिन कोई भी देश इन चीजों को प्राप्त करने के लिए अपनी सेनाओं को खतरे में नहीं डालेगा। ये एक टैक्टिक्स है
ठीक है सर, ये एक टैक्टिस है, लेकिन मैं फिर और बड़े स्तर पे जाके सुनना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ चीजों को। जब 15 जून वाली घटना हुई जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए, बाद में पुष्टि हुई कि चलो चाइना के भी 35 लोग मारे गए हैं, उसके बाद राफेल आया, मीडिया ने ऐसा दिखाया कि राफेल आने से चाइना डर गया है, हमारी ताकत बढ़ गई है। तो चाइना अगर अभी झड़प कर रहा है, लड़ रहा है, तो क्या कुछ असर होता दिख रहा है बातचीत का राफेल आने का? रफेल तो कितने कुल मिला के 5 रफेल हैं, उनसे क्या जी होगा? अगर हमारे पास कम से कम 2 स्क्वाड्रन हो रफेल के तो थोड़ा लगे। जी फिर रफेल से अभी तक हमने इसको टेस्टेड ट्राई तो किया नहीं है, दूसरे देशों ने भले ही इसको उड़ाया हो, भारत में हमने इसको नहीं आजमाया। हमारे पास दूसरे एरोप्लेन हैं, हम लड़ने में सक्षम हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी आदतन, मैं नहीं चाहता देश के प्रधानमंत्री झूठ बोले, मोदी जी बोलते रहे झूठ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर देश का प्रधानमंत्री झूठ बोले तो मुझे नहीं पूरे देश को फर्क पड़ता। प्रधानमंत्री लोगों को विश्वास में नहीं लेके रखे तो देश को फर्क पड़ता है। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने आप में कुछ नहीं है, उसको बगैर बात का हीरो बना रहे, वन मैन हीरो बना रहे, उसको वैज्ञानिक भी बता रहे हैं, साइंटिस्ट भी, स्ट्रेटजिस्ट भी, इकोनॉमिस्ट भी, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी जो टीम है, मंडली है, बहुत कमजोर है आज के दिन। हमारे रक्षा मंत्री को भी कोई अनुभव नहीं है केंद्र में फौजियों का, और आर्थिक जो उनका घेराव है, जितने भी आर्थिक प्रबंधन में लगे हुए हैं मंत्री से लेकर दूसरे लोग, उनको कोई समझ नहीं। आर्थिक दृष्टि से हम बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। आपने बहुत सारी चीजों पे सवाल खड़े किए, लेकिन मैं रक्षा मंत्री की भूमिका को लेके बात करना चाहता हूँ। रक्षा मंत्री क्या बीके सिंह को नहीं बनाना चाहिए था, जो सेना के प्रमुख रहे? ये सरकार करती क्या है? नहीं देखिए, मैं इस बात के हक में नहीं हूँ कि युद्ध के समय किसी रिटायर्ड जनरल को रक्षा मंत्री बनाया। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो अमेरिका में जनरल थे जी, उनको बनाया, लड़ाई खत्म हो गई तो कहा थैंक यू वेरी मच, अभी आपको हम, क्योंकि पॉलिटिकल सोच और डिफेंस की सोच में बहुत फर्क होता है जी। जो 40 साल डिफेंस सर्विसेज में रहे, उसके जूनियर्स भी होते हैं और भी होते हैं, उसकी फॉलोइंग भी होती है, तो उसकी सोच अलग होती है। लेकिन पॉलिटिकल जो सोच है, वर्ल्ड में एक मैसेज जाता है राजनीतिक तौर पर, वो नॉन डिफेंस का जनरल होगा, ऑफिसर होगा, वही अच्छा है मेरी निगाह में। क्योंकि वो अग्रेसिव बना हम कर पाए या ना कर पाए, वीके सिंह को आज रक्षा मंत्री बनाना, दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि हम अग्रेसिव मोड में आ गए, क्योंकि हम एक फुल्ली डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम इस तरह का कोई अग्रेसिव ना नहीं दिखाना चाहते। चलिए अच्छी बात है कि आपने कहा कि अभी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल अभी पे नहीं था, मेरा सवाल ये था कि सरकार जो एक्सपर्ट टाइप के लोग होते हैं उनको वो पोजीशन क्यों नहीं देती है? पिछली बार उनको विदेश स्वतंत्र प्रभार मंत्री बना के रख दिया और वो लोगों को सिर्फ ढोने का काम रहते रहे, विदेशों से यहाँ लाने का। एक एक्सपर्ट बंदा था तो उसको मंत्री पहले ही बना देना चाहिए था, युद्ध के दौर में ना बनाए। क्या आपको लगता है युद्ध होगा? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये छोटी मोटी झड़पें चलती रहेंगी और काफी समय तक चलेंगी, समझे? जब तक पाकिस्तान को पूरा उसका पेट नहीं भर जाए, या भारत पाकिस्तान की तरफ से थोड़ा ढीला नहीं पड़ जाए, तब तक ये चलता रहे, युद्ध की हालत नहीं है। चलिए एक सवाल का जवाब ये बताइए, जो मीडिया में एक्सपर्ट आते हैं, रक्षा विशेषज्ञ बन के मीडिया वाले आपको तो बुलाएंगे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं आप बिल्कुल बेबाकी से ईमानदारी से बात बताएंगे, वो वहां बैठ के कहते हैं कोई टेंशन नहीं है तो फोर्स क्यों लगा रहे हो, लड़ाकू विमान क्यों लगा रहे हो, लेकर बैठे थे उसमें एक दो जनरल ऐसे हैं, वो हमेशा या तो मोदी भक्त हैं
या उनकी निगाह में ये कि हम कुछ कहेंगे तो शायद इसका गलत संदेश मैसेज जाएगा। कहते हैं कि हमारा कोई हिस्सा, हमारी एक इंच जमीन भी चीन के कब्जे में नहीं है, जो कि असत्य है। वो प्रधानमंत्री की भाषा बोल रहे हैं जो कि असत्य है। अब खुद विदेश मंत्री ने कह दिया कि है, रक्षा मंत्री ने कह दिया। अब LAC की बात करते हैं, अब वो हमारे परसेप्शन में घुसे, वो उनका परसेप्शन है, तो हमारा परसेप्शन हम क्यों नहीं बढ़ा सकते उनके परसेप्शन में घुसने का? हम क्यों नहीं कहते कि हमारा परसेप्शन है उनके परसेप्शन के अंदर तक का? वो हमारे परसेप्शन के अंदर तक आ बैठे, दावा करते हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते? नहीं कहते, हम अपने आप को संतुष्ट बताते हैं जहां पर बैठे हैं उसी। जब आप लोगों के सामने जाना चाहिए, क्या मोदी सरकार या नरेंद्र मोदी जो आंखें दिखाने लाल लाल की बात करते थे वो नहीं दिखा पा रहे हैं? और चाइना एक के बाद एक हरकतें करता जा रहा है, कभी अरुणाचल प्रदेश में, कभी तिब्बत में, कभी लद्दाख में, और कभी उत्तराखंड के ऊपर। देखिए, गवर्नमेंट जो है बहुत एक कलेक्टिव फोर्स होती है। मोदी जी अकेले, उनकी ना लाल आंखें हैं, ना पीली है, ना नीली है, कुछ नहीं है। वो जुमले हैं दिखाने के बाद, एक अपना लोगों को खुश करने का, वाहवाही लूटने का। डिफेंस फोर्सेस अपने तरीके से काम करती रहती है, लेकिन ये हर बार इनको कोई क्वेश्चन पूछता है विरोधी, तो सेना के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। कहते हैं सेना क्या हमारी कमजोर है? मैं कहता हूँ नहीं है, लेकिन हमारा राजनीतिक जो नेतृत्व है, पॉलिटिकल, वो कमजोर, वो लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहा है कि पॉलिटिकल नेतृत्व मजबूत है। फौजें तो मजबूत हैं, देश जानता है, फौजें भी जानती हैं, हम पीछे नहीं हटने वाले, लेकिन नेतृत्व कमजोर है। दुनिया को नहीं बता पा रहा है कि चीन अग्रेशन मोड में है, दुनिया को बतानी चाहिए हमें, या कोई ब्लॉकेड वगैरह इंडियन ओशन में डालना चाहिए, थोड़ा बहुत उनके साथ भी उनके शिप्स को तंग करें। अगर ब्लॉकेड नहीं कर रहे तो काफी उनकी आवाजाही है जहाजों की, उनको रोका जाए, तंग किया जाए, उनके रास्ते से उनको भटकाया जाए। इस तरह की कुछ बातें होंगी, तब पता चलेगा कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते। लेकिन सर, ऐप तो बंद करा दिए ना उनके, उनका खिलौना बिकना बंद करा रहे हैं, और दीपावली पे अभी लड़ियां जलवा देंगे, इससे ज्यादा और क्या चाहते हैं? लेकिन मैं एक सवाल आपसे और समझना चाहता हूँ इस पूरे मामले को लेके, और काफी अहम सवाल वो हो जाता है। ये जो परिस्थितियां अभी उभर रही हैं चाइना और हमारे बीच में, क्या ये चलती रहेंगी? क्या सरकार चाहती है टेंशन बनी रहे, या वाकई में सीरियसली इस टेंशन को खत्म करना चाहते हैं, या पर्दे के पीछे कुछ और घट रहा है पूरे मामले में? देखिए, इस सरकार का सबसे पहला काम ये है, राजनीतिक सोच की बात करता हूँ, कि कोई भी विरोधी पार्टी ऊपर ना उठे। उनको केवल एक कांग्रेस पार्टी दिखाई देती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो के ये टेंशन बना के रखेंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव 26-27 सीटों के होंगे, बिहार में चुनाव होंगे, तो अगर ये ढीले पड़ जाते हैं कि भाई देश में गर्मा गर्मी नहीं है, युद्ध का स्थिति नहीं है, तो फिर कहेंगे इनकी आवश्यकता नहीं। ये दिखाना चाहते हैं कि ऐसी पोजीशन में केवल BJP ही संघर्ष कर सकती है, और कोई पार्टी सक्षम नहीं है। और मैं समझता हूँ ये एक सेकंड, यथा कथा करते हुए 2024 तक इस बात को ले जाएंगे। चीन से अगर दामन छुड़ा लेंगे तो पाकिस्तान से जोड़ के, वहां भी रोजाना कहते हमने 6 ढेर कर दिए, 3 ढेर कर दिए, हमारे भी मर जाते हैं, वहां कोई हमको अभी खास उपलब्धि नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से तमाम चीजें रखी। और लास्ट में जो आपने बात की उसमें मुझे राहत इंद्री का एक शेर याद आ गया कि पता करो देश में चुनाव है क्या, तभी तो सीमा पर तनाव है क्या। तो सीमा पर तनाव रखकर मध्य प्रदेश और बिहार का चुनाव जीतने की कोशिश है, और जैसा सर कह रहे हैं 2024 तक ये चीजें ऐसे ही बरकरार रखने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इनके लिए सत्ता पे बने रहना ही सब कुछ है, करना कुछ नहीं है। सुपरमैन की भूमिका में खुद नरेंद्र मोदी दिखना चाहते हैं और मीडिया वाले उनको दिखाए रखना चाहते हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, ऐसे किसी वक्त हुए लेकर हम आपके सामने होंगे। हाजिर फिलहाल अभी हमें इजाजत।